Hello students, I am Rajiv Kumar, your maths teacher. Class 12, subject maths, part 6, chapter 4, determinants, exercise 4.3. बच्चों, exercise 4.3 में आज हम समझते हैं question number 2 क्या है. So that points A, A, B plus C, B, B, C plus A and C, C, A plus B are collinear. तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको ये दिखाना है कि ये जो तीन पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी और सी, ये कॉलिनियर हैं यानी समरेख हैं, यानी कि एक ही रेखा में हैं, यानी इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाई दीज पॉइंट्स ए बी सी हमको दिखाना है जीरो. तो अगर किन्हीं तीन बिंदुओं से बने ट्राइंगल का एरिया जीरो आ जाता है तो वो ट्राइंगल नहीं बनता है और वो तीनों पॉइंट क्या होते हैं, संरेख होते हैं या कॉलिनियर होते हैं. तो आइए इसको हम शो करते हैं कैसे ये पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे. सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये फार्मूला 1/2 जो पीछे बताया जा चुका है कि अगर हम जो हमारे कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक होते हैं उनको इस तरह से लिख लें, पहला निर्देशांक यानी ये, फिर ये दूसरा निर्देशांक बी और सी प्लस ए, और फिर तीसरा निर्देशांक या कोऑर्डिनेट हमारा सी ए प्लस बी. तो इस तरह से हमने बना लिया. और ये जो तीसरा कॉलम हमारा बनता है ये 1 1 1 बनता है. तो इस तरह से अगर ये वैल्यूज़ हम निकालें, इसकी वैल्यू निकालें, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होगा. अगर ये जीरो आ गया तो ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर कहे जाएंगे. तो आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू प्राप्त करते हैं. तो देखिए हाफ वैसे ही लिख दिया और इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया है. ये हमारा कॉलम टू है, ये कॉलम वन है. तो कॉलम टू में कॉलम वन को हमने जोड़ कर लिख दिया है. क्या किया है, सी टू इज चेंज्ड बाई सी टू प्लस सी वन, यानी कॉलम टू में कॉलम वन को जोड़ो और कॉलम टू की जगह पर लिख दो. तो ये हाफ हो गया. और जब ऐसा हमने किया तो हुआ क्या, देखिए जब हम बी प्लस सी में ए जोड़ेंगे तो ए बी प्लस सी रहेगा, और सी प्लस ए में बी जोड़ेंगे तो बी प्लस सी प्लस ए हो जाएगा, ए प्लस बी में सी जोड़ेंगे सी प्लस ए प्लस बी हो जाएगा. तो इस तरह से तीनों को जोड़ लिया गया और पहला और तीसरे कॉलम में कोई परिवर्तन चेंजेस नहीं किया गया. अब आगे, अब हम देख रहे हैं कि ये जो कॉलम टू है इसका हर एलिमेंट ए प्लस बी प्लस सी है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ पर हाफ तो पहले बाहर था, साथ में अब ए प्लस बी प्लस सी आ गया, कॉमन था ये. अब ये कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, आपका पहला कॉलम और तीसरा कॉलम तो ऐसे ही रहेंगे, और जब ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो हमारा दूसरा कॉलम 1 1 1 बन जाएगा. अब हम ये देख रहे हैं कि हाफ टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी और ये जो सारणी का डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो. इसकी वैल्यू जीरो क्यों हो जाएगी, क्योंकि आप देखिए कॉलम टू कॉलम थ्री एक ही है, और प्रॉपर्टीज़ में ये बताया गया था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रोज एक जैसी हों, आइडेंटिकल हों, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है. तो उस बेसिस पर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई जीरो, और जीरो का मल्टीप्लाई इसमें कराया गया तो ये पूरी वैल्यू हो गई है जीरो. तो इस तरह से हमने देखा कि जिन थ्री पॉइंट्स ए बी सी को कॉलिनियर दिखाना था उनसे बने ट्राइंगल का एरिया जीरो आ गया है, इसलिए वो तीनों पॉइंट्स ए बी सी क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे. तो ये प्रूव हो गया ए बी सी आर कॉलिनियर. तो ये था शोइंग ऑफ क्वेश्चन नंबर टू. अब क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर. बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, हमको के की वैल्यूज निकालना है, यानी के की वैल्यू एक या एक से अधिक आ सकती हैं. तो यहाँ पर इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर, यहाँ पर एरिया जो दिया गया है वो 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया गया है, और वर्टिसेज उसके क्या हैं, K0, 4002. तो पहले ही हमको ये बता दिया गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4, यानी जो तीन पॉइंट हैं वो एक ट्राइंगल बनाएंगे, उस ट्राइंगल का एरिया हमको दे दिया गया है. तो हम फार्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट्स, और ये एरिया का फार्मूला ही होता है, डिटर्मिनेंट में ऐसे लिखते हैं एरिया.
तो 1/2, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं देखिए, पहला पॉइंट के जीरो, यहाँ लिखा 4 0, यहाँ लिखा 0 2, यहाँ लिखा तीसरा कॉलम, अपने आप से 1 1 1 बना लिया जाता है, ये सभी में होगा। और अब यहाँ पर देखिए, जब बात डिटर्मिनेंट की होती है तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस 4 ली जाती है। यानी अभी इससे पहले के सवालों में भी हम देख रहे थे कि जब एरिया निकालते थे ट्राइंगल्स का, तो अगर प्लस में आया तो ठीक, माइनस में आया तो उसको भी प्लस में कर लेते थे। यानी कि एरिया जो है प्लस माइनस में आ जाए तो, यानी दोनों में आ सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस 4 हमने रख ली, क्योंकि हो सकता है प्लस में 4 रहा हो उस ट्राइंगल का एरिया जिसका हम निकाल रहे हैं, या हो सकता है माइनस में रहा हो, मालूम तो है नहीं, इसलिए हम दोनों साइन यहाँ पर लेकर चलेंगे। या फिर आप ये कहेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ है, डिटर्मिनेंट में तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ ली जाती हैं। तो अब आगे हम इसको एक्सपेंड करेंगे। हाफ लिखा, देखिए के लिखा, के लिखा तो ये कॉलम, ये रो बंद हो गई, 0 माइनस 2 यहाँ आ गया, फिर दूसरा माइनस होता है 0, और इसको इसको बंद किया तो 4 माइनस 0 प्लस, फिर इस 1 को लिखा, इस कॉलम इस रो को बंद किया तो 4 2 जा 8 और -0, और ये इक्वल टू वही प्लस माइनस 4 लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं हाफ, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए -2 का के साथ मल्टीप्लाई -2 के होगा, और ये 0 के साथ इसका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, और 1 का 8 के साथ 8 हो गया, ये ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद का जो लाइन है वो ये है कि हम क्या लिख सकते हैं। देखिए ये जो हाफ है यानी 1/2 है, ये 2 यहाँ से हटाएंगे तो ये इधर आएगा, इधर आएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 बन जाएगा। तो इधर क्या बचा, -2 के +8, और इधर बच गया +-8। और फिर आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पर दो कंडीशंस आ जाएंगे, एक बार हम प्लस साइन लेकर के सॉल्व करेंगे और एक बार इधर माइनस साइन लेकर सॉल्व करेंगे। तो -2 के +8 इज इक्वल टू प्लस वाला 8 ले लिया, और इधर -2 के +8 माइनस वाला 8 ले लिया, और फिर आगे इसको सॉल्व किया तो -2 के, अब ये 8 8 कट गए तो कुछ नहीं बचा इधर 0, तो -2 के इक्वल 0, तो k इक्वल 0 आ गया, क्योंकि ये -2 अपॉन में जाएगा और फिर डिवाइड होकर 0 बन जाएगा। यहाँ पर देखिए -2 के +8 इज इक्वल टू -8 हुआ, अब ये -8 उधर गया, ये सॉरी +8 उधर गया, तो -8 बन गया। अब -8 और ये -8 मिलके -16 हो गया। अब -2 के इधर है, इधर -16 है, माइनस माइनस हमने इस तरह से देखिए काट दिया, तो माइनस माइनस कट गए, तो अब क्या बचा, 2 के बराबर 16, तो के बराबर 16 को 2 से डिवाइड कर दो तो के बराबर 8। तो यहाँ पर हमने देखा कि के की दो वैल्यूज आ गई हैं, 0 या फिर 8, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हमें सेकेंड पार्ट में, जिसमें पॉइंट्स -2 0 0 4 0 k दिया गया है, इसमें भी k की वैल्यू निकालना है। इसका बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, इसी तरह से बिल्कुल हम इसको भी करेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमको इसमें गिवन है वो 4 प्लस माइनस, यहाँ भी यूज करेंगे, ये वैल्यूज बदल जाएंगी। -2 0 लिख लिया, 0 4 लिख लिया, 0 k लिख लिया, और ये कॉलम 1 1 1 अपने आप से ऐसे ही बनाया जाता है। और फिर अब आगे बढ़ते हैं, हाफ लिखा और इसका एक्सपेंड किया, तो -2 लिखा तो ये कॉलम ये रो बंद हो गया, 4 माइनस k, फिर माइनस के साथ ये होता है 0, और फिर इसको और इसको बंद कर लिया, दूसरा कॉलम पहली रो बंद हो गई तो 0 माइनस 0 आ गया। फिर इस +1 को लिखा, 1 लिखा तो ये कॉलम ये रो बंद हो गया, अब यहाँ पर 0 माइनस 0 आ गया। तो इस तरह से इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड हो गया। अब +-4 जो इधर लिखा है उसको ऐसे ही लिख दिया। फिर अब आगे बढ़ते हैं हाफ, अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करा रहे हैं, -2 4 जा 8, और -2 का इसमें माइनस के में करेंगे तो +2 k हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ दीजिए, ये भी 0 हो गया, इसको छोड़ दीजिए, तो बस इतना इक्वल +-4 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये हमारा हाफ है और यहाँ से 2 ले लीजिए कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, -4, क्योंकि 2 4 जाए 8, और ये 2 k का k बचा। अब ये कॉमन वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए क्या हुआ, इधर +-4 चल रहा है, अब ये सारी वैल्यू खत्म हो गई, -4 प्लस k इज इक्वल टू +-4 प्लस बचा। तो अब हम जब k की वैल्यू निकालेंगे, k इधर लिखेंगे तो ये हमारा -4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो +-4 और +4 ये आ गया। अब हम k की दो वैल्यूज़ कैसे निकाल दिए हैं, एक बार प्लस साइन, अगर हम प्लस साइन लेंगे तो ये 4 और +4 8 हो जाएगा, और जब माइनस का 4 लेंगे यानी माइनस साइन लेंगे
तो माइनस चार प्लस चार कैंसिल होकर जीरो बन जाएंगे। तो इस तरह से दो वैल्यूज़ के की आ जाएंगी, एट और ज़ीरो। तो ये दो क्वेश्चन पार्ट पेज वन के सॉल्व हो गए। अब पेज टू देखते हैं क्या है। अब बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है फोर का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1.2 एंड 3.6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। यानी डिटर्मिनेंट्स का यूज करके इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली यानी जोड़ने वाली लाइन की इक्वेशन हमको पता करना है, लेकिन हम डिटर्मिनेंट की मदद से करेंगे। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। लेट द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई लाइज ऑन द लाइन। मान लेते हैं हम कि एक हमारा कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, वो क्या है इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को लाई करता है यानी उस पर पड़ता है। यानी इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली कोई लाइन आएगी, उस लाइन पर ही हमारा ये P पॉइंट पड़ेगा, ये हमने मान लिया। और ये भी मान लिया साथ में कि पहला पॉइंट हमारा A नाम से है और दूसरा पॉइंट हमारा B नाम से है। तो जब ये दो पॉइंट एक लाइन बनाते हैं, P पॉइंट उसी लाइन पर होता है, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट जो हैं एक ही लाइन पर हैं। और तीनों पॉइंट जब एक ही लाइन पर हैं तो यानी कॉलिनियर कहे जाएंगे। तो अब P, A, B तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कॉलिनियर हो गए यानी संरेख हो गए। तो जब ये कॉलिनियर हो गए, संरेख हो गए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी विल बी ज़ीरो। तो इन तीनों पॉइंट से ट्राइंगल बना अगर माने तो उसका एरिया जीरो होगा, क्योंकि ये कॉलिनियर हैं, ये कंडीशन होती है। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी हम निकालेंगे 1/2 डिटर्मिनेंट मेथड से। तो देखिए पहला कोऑर्डिनेट हमारा एक्स वाई है, दूसरा 1.2 है, तीसरा 3.6 है, और फिर ये कॉलम 3 तो 1.1.1 सब में बनाते ही हैं। अब ये इक्वल जीरो लिखा हुआ है। अब हम एक्सपेंड करेंगे तो देखिए ये डिटर्मिनेंट आप इधर समझें और ये हाफ को उधर ले जाएं। तो ये हाफ जब इक्वल की तरफ जाएगा, इक्वल के बाद जीरो की तरफ जाएगा, तो ये 2/1 हो जाएगा। तो ये 0 × 2/1 बना। अब ये खाली डिटर्मिनेंट हमारा बचा, इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। देखिए एक्स लिखा तो ये कॉलम ये रो बंद हो गया 2 − 6, फिर माइनस वाई इसको लिखा और ये हमारा रो बंद हो गया तो 1 − 3 आ गया। और फिर जब इसको लिखा +1 तो ये कॉलम और ये रो बंद हो गया, 6 − 6 ये आ गया। अब इसको सिंपल करेंगे तो ये 2 से 6 गया −4, 1 से 3 गया −2 और ये 0 हो गया। तो इस तरह से ये −4x आएगा, ये प्लस का 2y और ये प्लस का 0 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, 2y इसको इक्वल के उस तरफ ले जाएं तो 4x प्लस का हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 × 2, 2 × 4, तो जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो y की वैल्यू 2x आ गई। यानी y इक्वल 2x ही उस लाइन का इक्वेशन है जो रिक्वायर्ड है, जो प्रश्न में पूछी जा रही है उसी लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल 2x है। और इसको हमने डिटर्मिनेंट मेथड से प्राप्त किया है। फिर क्वेश्चन 4 का सेकंड देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3.1 and 9.3 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक पॉइंट P मान लेंगे एक्स वाई और मान लेंगे कि इन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन पर ही ये पॉइंट पड़ता है। तो क्या होगा, पी ए बी कॉलिनियर होंगे और इनसे बने ट्राइंगल का एरिया जीरो होगा। फिर वही काम करेंगे, 1/2 लिखा, कोऑर्डिनेट्स देखिए एक्स वाई लिखे, फिर 3.1 लिखा, फिर 9.3 लिखा और ये तीसरा कॉलम 1.1.1 बना लेते हैं। इधर जीरो है, अब ये हाफ उधर गया तो 2/1 जीरो के साथ हो गया और जीरो बन जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को फिर एक्सपेंड किया, सिंपल किया, तो यहाँ पर आ गया निकल के 6y = 2x यानी 3y = x। तो यहाँ से अब हम देखिए इसको अगर इधर ले आएँ तो इधर जीरो हो जाएगा, 0 = x − 3y होगा। और फिर x − 3y को पहले लिखें, 0 को बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आ गई जो कि रिक्वायर्ड है, यही निकालनी थी। यानी ये इक्वेशन वो आ गई जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, उस रेखा की इक्वेशन ये है और इसको हमने डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं पेज 3। पेज 3 पर बच्चों देखिए क्या है, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस 2, −6, 5, 4, k4 देन के इज। यानी अगर तीन पॉइंट्स हैं और उनसे बने ट्राइंगल का एरिया 35 स्क्वायर यूनिट्स है तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है,
मल्टीपल चॉइस टाइप है तो इसमें चार आंसर हैं, एक सही है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसके बेसिस पर जानेंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो सबसे पहले देखिए, गिवन एरिया ऑफ द ट्राइंगल, सबसे पहले एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट्स लिख लीजिए। फिर हाफ, ये फार्मूला वही डिटर्मिनेंट वाला बनाया, 1/2, और फिर कोऑर्डिनेट्स लिखे 2 -6 5 4 के 4 और ये 111, और इक्वल टू प्लस माइनस 35 आ चुका है। अब क्या करेंगे, ये प्लस माइनस इसलिए लिख लिया जाता है कि हो सकता है कि जो ये ट्राइंगल का एरिया है माइनस में आया हो सकता है प्लस में आया हो, इसलिए दोनों साइन बना लिए जाते हैं। या फिर आप कहें डिटर्मिनेंट की वैल्यू है यानी एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो ये दोनों प्लस माइनस में ली जाएगी। जिस तरह से इसको हमने एक्सपेंड किया तो ये आ गया, फिर इसी एक्सपेंड को हम आगे बढ़ाते गए, सिंपल करते गए, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो देखिए एक बार समझा देते हैं, हाफ 2 लिखा, इसको बंद किया, 4 -4, फिर माइनस, माइनस 6 लिखा तो ये कॉलम, ये बंद, 5 -k और प्लस 1 लिखा तो इसको, इसको बंद किया तो ये आ गया आपका 20 -4k। अब इसको सिंप्लीफाई करते चले जाइए, सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए क्या हो गया लास्ट में, इस तरह से पूरा जब आप सॉल्व कर लेंगे तो के की वैल्यू -2 आएगी, यानी जब प्लस साइन लेकर चलेंगे तो -2 आ जाएगी के की वैल्यू, और जब माइनस साइन लेकर, ये लाइन हमने खींच दी कि प्लस वाली वैल्यू लेकर इधर करें, माइनस वाली वैल्यू लेकर इधर करें, तो माइनस वाली वैल्यू लेकर जब इधर करेंगे सॉल्व तो के की वैल्यू 12 आ गई। यानी सॉल्व करने पर हमने देखा कि के की वैल्यू 12 आ रही है और -2 आ रही है। तो ये वैल्यू देखिए डी ऑप्शन में दी गई है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन डी है। और ये पेज 3 था। ये आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे, और अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल ऑटो मैथ्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपने अपना अमूल्य समय इसको समझने में दिया, आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू।